उदाहरण तीन। एक लंब वृत्ति बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर है। दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की परिधि 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। तो r बराबर 44 बटा 2π या r बराबर 44 बटा 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7। तो बटा 7 है, भाग को गुणा में करेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा। तो r का मान हमारे पास प्राप्त होगा 22 × 44, अंश और हर से 44 कट जाएगा, तो r त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh बराबर 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा r 7 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन का वक्र पृष्ठ जो हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 7 × 7 कट जाएगा, 22 × 44, 44 × 10 बराबर 440 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने बेलन का वक्र पृष्ठ 440 वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई आर की घात 2h, पाई आर की घात 2h बेलन का आयतन होता है। यहाँ पे पाई का मान 22 बटा 7 गुणा त्रिज्या जो है r 7 है, 7 × 7 r की घात 2 है, तो 7 × 7 × 10, 7 × 7 कट जाएगा, और 22 को जब हम 70 से गुणा करेंगे तो बेलन का आयतन ज्ञात होगा। बेलन का आयतन बराबर ये हमें मिलेगा 1540 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया बेलन के आधार की परिधि से। हमने 2πr जो 44 सेंटीमीटर दिया था, इससे त्रिज्या ज्ञात किया 7 सेंटीमीटर। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ हमने ज्ञात किया 2πrh सूत्र में। हम त्रिज्या और ऊंचाई का मान 7 और 10 रखे, पाई का मान 22 बटा 7, हल करने पर हमें 440 वर्ग सेंटीमीटर मिला। उसी तरह से बेलन का आयतन पाई आर का
वर्ग पाई आर की घात 2h होता है, जिसमें हमने त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर रख के बेलन का आयतन ज्ञात किया 1540 घन सेंटीमीटर। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।